नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडी टिकटॉक में। यार बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं कि उन्हें अमेज़ॉन फ्लेक्स के बारे में जानना है। यूँ तो अमेज़ॉन फ्लेक्स के बारे में बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाते हैं, लेकिन उन्होंने डिटेल में नहीं बताया है, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल नहीं बताया है कि कैसे हम अमेज़ॉन फ्लेक्स को ज्वाइन करके पार्ट टाइम इनकम कर सकते हैं। सबको पता है कि अमेज़ॉन फ्लेक्स जो है वो जेन्यून है, वो 100% लीगल है। जो भी आप काम करते हैं अमेज़ॉन फ्लेक्स के थ्रू, आप यहाँ पे पर घंटे का 120 रुपए से लेके 140 रुपए तक का कमा सकते हैं। आप जो भी अपने कमाए हुए पैसे हैं, आप उसे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे आप अपने मोबाइल फोन से अमेज़ॉन फ्लेक्स को ज्वाइन करके डेली का पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, flex.amazon.in पे जाना है। ये जो वेबसाइट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे सर्च करके इस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका सिटी कि आप किस शहर में रह रहे हैं, आपका पिन कोड, आपके जिले का जो पिन कोड है वो एंटर करना है, आपका अपना मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये ऑप्शनल है। अगर आप एंटर करना चाहते हैं करिए, या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा एंटर कीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो आपके ईमेल के जरिए आपसे ये कांटेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है, इसमें आपको बताना है कि आपके पास कौन सा व्हीकल है। अगर आप अमेज़ॉन फ्लेक्स के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं तो इन्हें आपको बताना होगा टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है कि फोर व्हीलर है। तो यहाँ पे मैं टू व्हीलर को सेलेक्ट करूंगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद गेट द ऐप पे क्लिक करूंगा। गेट द ऐप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा स्क्रीन आएगा, यहाँ पे डाउनलोड ऐप पे क्लिक करूंगा। डाउनलोड ऐप पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ऐप है अब वो डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद मैं इसे अब इंस्टॉल कर लूंगा। इंस्टॉल करने के बाद हमारा अमेज़ॉन फ्लेक्स का ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है साइन इन विथ अमेज़ॉन, मतलब अगर आपका पहले से ही अमेज़ॉन का आईडी है जिससे आप शॉपिंग करते हैं, या फिर आपने अमेज़ॉन की आईडी बना रखी है, आप उससे साइन इन करेंगे। नहीं तो आप अगर नए हैं तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका एक पासवर्ड, ये सब एंटर करने के बाद क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा। अब आपका अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट हो चुका है, बस आपको अपने ईमेल पे एक मेल आया होगा, उसको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से अमेज़ॉन का अकाउंट है, मैं यहाँ पे उससे साइन इन पे क्लिक करके लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऐसा स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि अमेज़ॉन आपका करेंट लोकेशन, कैमरा एक्सेस, तो फ़ोन स्टेट, ये सब आपको वेरीफाई करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तीनों चीज़ को अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसा स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस स्टेट में रहते हैं, या फिर अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हैं लेकिन आप कहीं और नौकरी करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक जिले में रह रहे हैं लेकिन दूसरा जिला वो ज़्यादा विकसित है, आप जैसे लखनऊ के बगल शहर में रह रहे हैं लेकिन लखनऊ में ज़्यादा ऑनलाइन लोग सामान खरीदते हैं, तो आप बोलेंगे मैं लखनऊ में जाके डिलीवर करूंगा सामान। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वेयर डू यू वांट टू डिलीवर, आप कहीं भी, बस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और टू व्हीलर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं सेलेक्ट कर लूँगा मैं कहाँ पे डिलीवर करना चाहता हूँ। अगर आपका सिटी इसमें से नहीं मिल रहा है कि आपका शहर इसमें आप डिलीवरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है माई सिटी इज़ नॉट लिस्टेड हीयर, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे लखनऊ सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो लखनऊ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे साफ लिखा आ रहा है हियर्स व्हाट यू नीड, 18 प्लस ऑफ एज, आपका जो उम्र है 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, टू व्हीलर, जो मैंने एंटर किया था कि मेरे पास टू व्हीलर है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास एक DL जो कि ड्राइविंग लाइसेंस है ओरिजिनल वो ज़रूर होना चाहिए, सेविंग या फिर करेंट बैंक अकाउंट, आपका आपके नाम से आपका कोई भी बैंक अकाउंट में खाता होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी कमाई करेंगे तो जो सारा पैसा है डेली आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाया करेगा, और लास्ट में आपको एक पैन कार्ड चाहिए होगा। पैन कार्ड नहीं होगा तो आप पैन कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं।
तो कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आऊंगा, यहाँ पे आई एग्री एंड एक्सेप्ट द अबव पे क्लिक करूंगा, और आई एग्री एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इस पेज पे आ जाऊंगा। इस स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, करेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस मतलब आप जो अभी जहाँ रह रहे हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो आपको एंटर कर देना है, आपका शहर, स्टेट, पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऐसा स्क्रीन ओपन होके आ गया। यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपके पास जरूर होना चाहिए। तो अगर आपके पास या फिर आपके बाइक के पास इंश्योरेंस है, जैसे कि आपके बाइक से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो सारा पैसा वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, ये सब इनको जानकारी चाहिए होगी। कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है टैक्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा, तो मेरा जो पैन कार्ड नंबर है वो एंटर करूँगा, सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्जिट इंटरव्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए पैन कार्ड का ऑप्शन जो था वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने तीन ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन है डायरेक्ट डिपॉजिट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका बैंक डिटेल पूछा जाएगा कि जो आप पैसे कमाते हैं अब वो किस अकाउंट में भेजा जाए। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा। सबसे पहले है पेई नेम, पेई नेम में जिसके नाम से बैंक अकाउंट होगा, जैसे मेरा अनिल दुबे है तो मैं अनिल दुबे लिखूंगा, आपका नाम सुरेंद्र होगा, राजू होगा, राजेश होगा, जो भी आपका नाम होगा, असीम होगा, जो भी आपका नाम आपके पासबुक पे है वो नाम एंटर करना पड़ेगा। और यहाँ पे करेंट और सेविंग, आपका जो खाता है वो सेविंग अकाउंट है कि करेंट है। ज़्यादातर लोगों का सेविंग अकाउंट होता है, आप अपना चेक कर लीजिए। सेविंग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पासबुक पे सब लिखा होगा, आईएफएससी कोड आपके बैंक का वो एंटर कीजिए, नहीं होगा तो आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर, रिपीट बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, ये सब फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। अब आपने अपना बैंक डिटेल दे दिया, आप जो भी कमाई करेंगे आपके बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए जाएंगे। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसा ऑप्शन ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे इस ऑप्शन में क्या है, ये एक तरह का आप इंटरव्यू ही समझ लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस स्टेप को बहुत सारे लोग स्किप करते हैं या फिर वीडियो नहीं देखते। मुश्किल से आपके 15 मिनट जाने वाले हैं, यहाँ पे एक या फिर दो मिनट के, तीन मिनट के छोटे छोटे आपको वीडियोस दिखाए जाएंगे। वीडियो में बताए जाएंगे अमेज़ॉन फ्लेक्स के बारे में कि कैसे आपको डिलीवरी करना है, क्या सर आपको सावधानी बरतनी है, क्या आपको जानकारी देनी है, ये सब सारे वीडियो में बताएंगे। और प्लस इस वीडियो में जो आपको बताया जाएगा, एक आपको उसमें से कुछ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ताकि वो क्वेश्चन इसलिए है कि आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पे एक पहला वीडियो है, मैं देखूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे मैं देखूंगा कि मैंने पूरा वीडियो देखा, अच्छे से देखा। यहाँ तो वीडियो देखने के बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आया टेक क्विज, टेक क्विज पे मैं क्लिक करूंगा। तो वीडियो के बीच में एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका मैं आंसर दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये करेक्ट बता रहा है। तो इसी तरीके से 8 वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेंगे, मैंने फर्स्ट कंप्लीट कर लिए हैं, 8 और भी कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता। ये 8 वीडियो आपको दिखाए जाएंगे और जो भी इन वीडियो में बताया जाएगा उससे रिलेटेड 3 या 4 बार मुश्किल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर, और आपको बस टिक कर देना है क्योंकि आपको वीडियो में ही वो सब चीज़ें बताई गई हैं, ताकि इनका पूछना है कि आपने सही से वीडियो देखा है, ठीक है। तो आपको ये जो 8 वीडियो है, कहीं आप ईयरफोन लगा लीजिए, कहा जहाँ शोर शराबा ना हो अच्छे से देख के सीख लीजिए। तो ये स्टेप आपको कंप्लीट कर लेना है। वीडियो देख लेंगे तो ये आपका स्टेप पूरा हो जाएगा, यहाँ पे भी टिक मार्क आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन बचता है बैकग्राउंड चेक, इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको हम ओपन करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पहला है डेट ऑफ बर्थ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा, उन्हें बताना होगा कि आप कब पैदा हुए थे। दूसरा ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस, आपके स्टेट से आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जैसे कुछ लिखा होता है उसमें यूपी 54, 53, 55, 56, 57, जिस भी जिले से आपका
ड्राइविंग लाइसेंस बना है, पे एक ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होगा वो एंटर करना होगा। और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक रिपीट कर दूँ, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि मैं दूसरे जिले में रह रहा हूँ लेकिन मुझे डिलीवर लखनऊ में करना होगा, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपका जिले का है, लखनऊ का नहीं लेगा, टेंशन नहीं लेना है, बस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ओरिजिनल आपका। तो मैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस एंटर करूंगा, लाइसेंस इसी स्टेट एंटर करूंगा कि किस स्टेट में मेरा डीएल बना है, तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश डालूंगा। यहाँ पे आपके लाइसेंस पे एक एक्सपायरी डेट होगा वो आपको एंटर करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड एंटर करना है, यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, आपके पैन कार्ड पर जो नंबर होगा, पैन कार्ड नेम में यहाँ पे मैं आपको रिपीट कर दूँ, आपका नेम रहेगा पैन कार्ड नेम पे आपका एक नाम रहता है, जैसे मेरे पैन कार्ड पे अनिल दुबे होगा तो मैं एंटर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पिताजी का नाम होगा, पहला नाम और आखिरी नाम, जैसे सुरेश कुमार आपके पिताजी का नाम है तो सुरेश और दूसरे में कुमार आप लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, हैव यू बीन कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम और पैरलॉड इन द पास्ट 7 ईयर्स, मतलब आप कभी ऐसे मामले में तो नहीं फंसे हैं क्राइम के मामले में या फिर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पिछले 7 सालों में, अगर आप साफ सुथरे हैं या फिर आपके साथ हुआ है वो 7 साल बीत गए हैं या फिर आप इन सब चीज़ों में पढ़ते ही नहीं हैं, तो नो पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, डू यू हैव एनी प्रीवियस लीगल नेम्स, तो क्या आपके पास पिछले या फिर कोई दूसरा ऐसा लीगल नेम है जो आप इनसे छुपा रहे हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सब लोग नो पे क्लिक करेंगे, अगर है तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो हम नो पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो अकाउंट है अब यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा स्क्रीन ओपन होके आ गया, यहाँ पे बैकग्राउंड चेक में अब आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालना है जो मैंने पहले बता दिया है, आपको एड्रेस दोबारा एंटर करना होगा, फिर आपके पास लैंडमार्क का ऑप्शन है, जैसे मैं एक जगह पे रह रहा हूँ वहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है जिसके बारे में सबको जानते हैं, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, कोई बहुत शॉपिंग मॉल है, बहुत फेमस कोई ढाबा है, इसी टाइप का एक लैंडमार्क होता है, चौराहा है, कोई एक कोठी है, इस तरह का एक लैंडमार्क आपको एंटर करना है, आपका अपना वापस से सिटी एंटर करना है, स्टेट और पिन कोड एंटर कर देना है। ये सब फिल करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है कंटिन्यू, कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय चेकिंग दिस बॉक्स आई प्रोवाइड माय ऑथराइजेशन, इस पे क्लिक करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है, और यहाँ पे जो ऑप्शन है एक्सेप्ट एट कंटिन्यू, अब यहाँ पे आपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ पे जैसे लिखा आ रहा है कि आपके सारे स्टेप पे टिक आ रहा है, लेकिन जो लास्ट वाला स्टेप है उस पे ग्रीन टिक नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है योर बैकग्राउंड चेक विल टेक अबाउट 5 to 10 business days टू कंप्लीट। अब यहाँ पे जो भी आपने डिटेल फिल की है, मैं पहले ही बता दूं कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं जो भी डिटेल फिल करेंगे एकदम सही फिल करेंगे, कोई भी फ्रॉड या फिर गलत फिल नहीं करेंगे अपने से रिलेटेड, खासकर आपके ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। और यहाँ पे अब ये 5 से 10 दिन लेंगे, आप जो भी यहाँ पे ये स्टेप मैंने बताया कंप्लीट कर लेंगे, 5 दिन 6 दिन 7वें दिन आपको ये कॉल करेंगे, आपको बताएंगे कि आप सेलेक्ट कर लिए हैं, अब आपको क्या ट्रेनिंग देंगे, आपको 1-2 दिन का ट्रेनिंग देंगे, बताया जाएगा कि कैसे डिलीवर करना है, आपको बुलाया जाएगा, अब आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपके पास अमेजोन फ्लेक्स का ऐप रहेगा, हर चीज़ आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी आपको क्या डिलीवर करना है। आप यहाँ पे फिर अमेजोन फ्लेक्स पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक लेके आप डिलीवर करना है, बहुत लोग क्या करेंगे कि 6 बजे से लेके 8 बजे तक मैं चाहूँ कि जॉब करूँ, शाम को 6 बजे 8 बजे जॉब करूँगा कि जितनी भी अर्निंग होगी, अगर आप जैसे 5 घंटे जॉब करते हैं 600-700 रुपये कमाएंगे, ज़्यादा करते हैं तो 800-900 इस तरह आपके आप डेली का अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अब मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको जो भी आप कमाई करते हैं, जैसे आप 5 घंटे जॉब की और 700 रुपये कमाए अमेजोन फ्लेक्स थ्रू, यहाँ पे आपका अगर 100-150 रुपये का तेल ख़त्म होता है, यहाँ पे आपका पेट्रोल या डीजल लगता है या 200 रुपये का लगता है, तो ये इसका पैसा नहीं देते हैं, यहाँ पे तेल और आपका बाइक का जो भी है ये आपको अपने से ही खर्च करना होगा, ये पेमेंट थोड़ा ज़्यादा देते हैं लेकिन यहाँ पे आपको तेल का पैसा खुद देना होगा। लेकिन यहाँ पे आज के टाइम में कुरियर में इतने ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो इतना स्मार्ट तरीके से क्या करते हैं कि वो आजकल क्योंकि एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिक एक तरह का स्कूटी खरीद लिए हैं, ज़्यादातर आप देखते होंगे कुरियर वाले अब स्कूटी चलते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी का बहुत ज़्यादा नहीं 1-2-3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है, बहुत अच्छा आप स्कूटी लेते हैं तो 1 रुपये पर किलोमीटर आपका खर्च आता है, वो घर पे स्कूटी चार्ज कर लेते हैं, चार्ज करके वो जितनी भी आपके पास कुरियर्स हैं उन्हें डिलीवर करते हैं और पैसे कमाते हैं।
बहुत सारे लोग 500, 600, 700 रुपए कमा रहे हैं 4 से 5 घंटे जॉब करके अमेजॉन फ्लेक्स पे। तो जिन लोगों ने मुझसे डिटेल में मांगा था स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, मैंने सारा यहाँ पे डिटेल में बताया है। अब आपका क्या काम है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपना बढ़िया सा कमेंट देना है, ताकि मुझे पढ़ के अच्छा लगता है कि हाँ मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको और भी किसी ऐप के बारे में जानना हो या फिर किसी वेबसाइट के बारे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो लेके जरूर आऊँगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आऊँगा दोस्तों नए वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। धन्यवाद।